दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिंधु घाटी सभ्यता, झेलम नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ये सारी जो नदियाँ हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल से लेती हुई सारी जानकारी यहाँ से मिलेगी आपको। और सब नदियों की लंबाई, उद्गम स्थल, सहायक नदियाँ, तो ये जो होती हैं ये इम्पोर्टेंट होती हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। सिंधु घाटी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। तो 2880 किलोमीटर सिंधु की लंबाई है। उद्गम स्थल इसका पूछे तो मानसरोवर झील के निकट, और इसकी सहायक नदी जो है तिब्बत से होती हुई सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिगार और गिलगित, सियोक, जम्मू और कश्मीर, लेह, ये सारी जो हैं सहायक नदियां हैं। बात करें अगर हम झेलम नदी की, तो झेलम नदी जो है ये इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। उद्गम स्थल शेषनाग झील है और ये जम्मू कश्मीर में है। सहायक नदी जो है, ठीक है, जो कि इसका शेषनाग झील यानी उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर से होते हुए आती है। तो सहायक नदियों की बात करें तो जिसमें किसन, गंगा, पूंछ और लिदार, करेवाल, सिंह जम्मू कश्मीर में ये हैं। और यही बात करते हैं चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी का जो लंबाई है 1180 किलोमीटर है और उद्गम स्थल जो है वो चाला दर्रे के निकट है। बारह लाचा दर्रे जो है निकट है, ये जम्मू कश्मीर में है। और सहायक नदी जो है भद्रभागा जम्मू कश्मीर से है। अब मैं बात करता हूँ रावी नदी की। तो रावी नदी अब यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा के रावी नदी के ही किनारे हड़प्पा बसा है, ठीक है। तो रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। रावी नदी जो है 725 किलोमीटर है। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है, कांगड़ा सहायक नदी है। और सहायक नदियों की बात करें तो साहूंग, सुइल, पंजाब, ठीक है। अब सतलज नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है, यानी 1050 भी कह सकते हैं। तो उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राकस ताल है। और सहायक नदी की बात करें तो ब्यास, स्पीति, बसपा हिमाचल प्रदेश में ये है। अब यहीं आगे क्रम में बात करते हैं ब्यास नदी की। ब्यास नदी बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्यास नदी भी और इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। सहायक नदी तीर्थन पार्वती है और हुरला है। अब यहाँ बात करते हैं कि सात गंगा नदी, गंगा नदी की बात करते हैं। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी में से एक है और सबसे लंबी नदी में से भी एक है। तो गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। इसे हम 2071 किलोमीटर भी मानते हैं। तो उद्गम स्थल इसका गंगोत्री के निकट गोमुख से ये उद्गम स्थल इसका है गंगा नदी का। और सहायक जो नदी है वो यमुना, राम गंगा, गोमती, बागमती, कंटक, कोशी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार में ये होते हुए गुजरते हैं। तो गंगा नदी को ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। तो ये सब विशेष ध्यान दीजिएगा। और अब मैं बात करता हूँ यमुना नदी की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है यमुना नदी। इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर से है। और सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसन, ये सभी हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ राम गंगा नदी की बात, तो 690 किलोमीटर राम गंगा नदी है। और उद्गम स्थल नैनीताल के निकट, यानी ये उत्तराखंड से ही मान सकते हैं, हिम नदी से है। और सहायक नदी में खून है। अब मैं बात करूँगा घाघरा नदी की, तो घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है। उद्गम स्थल जो है मनसा तुंग है, जो कि नेपाल से होती है, ठीक है। और सहायक नदी में हिमनद, शारदा,
करनली, कुआना, राप्ती, चौकिया, ये सभी हैं घाघरा नदी के सहायक नदियों में से। और कंडक, कंडक नदी जो है इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है, उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत सीमा का मुस्ताक के निकट जो है वो सीमा पे ये इसका उद्गम स्थल है। और सहायक नदी में से काली कंडक, गंडक और त्रिशूल गंगा, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करूँ कोसी नदी की, तो इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है, उद्गम स्थल नेपाल के सप्तकोशी की, जिसे गोसाई धाम कहते हैं। और सहायक नदी जो है इंद्रावती, तामूर, अरुण, ये सभी सहायक नदियों में से आती हैं। अब बात करूँ चंबल नदी की बात, तो 960 किलोमीटर इसका लंबाई है और इसका उद्गम स्थल मऊ के निकट जानापाड़ा पहाड़ी से ये है। और सहायक नदी काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, ये सभी हैं। बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है, उद्गम स्थल भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश में जो कि पड़ता है यहाँ पे है। और यहीं सोर नदी के बारे में देखें तो लंबाई 770 किलोमीटर है, उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। सहायक नदी जो है रिहंद और कुनहड़, ये सहायक नदी हैं। अब मैं दामोदर नदी की बात करता हूँ, दामोदर नदी की लंबाई 600 किलोमीटर है और सहायक इसका जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व में इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदी की बात करें तो कुनार, जामुनिया, बराकर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी सहायक नदी हैं जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ती हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करता हूँ जो कि उसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत सांपो में पड़ता है। सहायक नदी घनसिटी, कपिली, सुवर्णसिटी, मानस, लोहित, नोपा, पंद्या, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सभी हैं। अब मैं बात करता हूँ महानदी की, तो महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है, उद्गम स्थल सिहावा के निकट रायपुर में है। और सहायक नदी में से सियोनाथ, हसदेव, उंग, ईस, ब्राह्मणी, बैतरणी मध्य प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा के करीब पड़ता है, उड़ीसा में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वैतरणी नदी, जो कि हिंदू धर्म में वैतरणी नदी पार करना बहुत ही दिव्य माना जाता है। तो वैतरणी नदी की लंबाई कितनी है, 333 किलोमीटर। याद रखिएगा कि वैतरणी नदी की लंबाई 333 किलोमीटर है, उद्गम स्थल जो है झूझर पठार जो है उड़ीसा में है। और स्वर्ण नदी की बात करें तो स्वर्ण रेखा ये है, तो उसकी 480 किलोमीटर है, उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार उड़ीसा में है और झारखंड, पश्चिम बंगाल। और गोदावरी नदी की बात करें तो जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है, उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ियों से, ये सहायक नदी प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती, जमीर, पुराना महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अब बात करें मैं कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी 1290 किलोमीटर है, उसका उद्गम स्थल महाकालेश्वर के निकट है। सहायक नदी कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीचा, भीमा, तुंगभद्रा, शूली, महाराष्ट्र में, ये आंध्र प्रदेश में है। और लास्ट में मैं देखता हूँ कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, तो कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है, उद्गम स्थल केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी में है। और सहायक नदी में से हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक, तमिलनाडु में स्थित है। तो दोस्तों ये नदियों की लंबाई, उद्गम स्थल और सहायक नदियों के बारे में ये मेरा वीडियो रहा, जो कि नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।